दोस्तों नमस्कार, मैं स्वर्णलता विश्वफूल मेरे चैनल कूड़ा कचरा पर। कूड़ा कचरा पर एक ऐसी खबर, एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिसने अपने अभिनय से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपना एक पहचान, अपना एक मुकाम तैयार किया। आजकल बॉलीवुड को हो क्या गया है, वहाँ काम करने वाले आर्टिस्ट को हो क्या गया है, ऐसा क्या हो गया है कि जमे हुए व्यक्ति, जमे हुए अभिनय के सहनशाह जमीन से ही उखड़ रहे हैं और जमीन से इस तरह से उखड़ रहे हैं कि फिर वे जम नहीं सकते। दोस्तों, आज श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है, दूसरों की हत्या की गुत्थी सुलझाने वाला ब्योम केस अर्थात सुशांत सिंह राजपूत की विवादास्पद मृत्यु कहीं न कहीं संदेह के घेरे और दुखद स्थिति को स्पष्ट करती हुई नजर आती है। कभी इरफान खान, आए दिन ऋषि कपूर से लेकर अब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर। कई मीडिया संगठनों के अनुसार उन्होंने अपने मुंबई घर में फांसी लगा लिए। वे 34 वर्ष 5 माह के थे, महज 34 वर्ष। जासूस ब्योमकेश वन दूसरे की हत्या के रहस्यों को सुलझाते सुलझाते खुद भी अनसुलझे मौत को गले लगा लिए। उनकी मौत की खबर नौकरों ने पुलिस को दी। मीडिया खबरों के अनुसार 9 जून 2020 को उनकी मैनेजर सुश्री दिशा ने अपनी इमारत से कूदकर जान दे दी थी, जिन पर सुशांत सिंह राजपूत ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया था और 14 जून 2020 को खुद सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। मैं तो जैसे नींद से जागी, क्योंकि उनकी फिल्म धोनी, जो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी है, हमारे देश के पूर्व कप्तान क्रिकेट के धोनी पर बनी हुई और काफ़ी अच्छा उनकी प्रसिद्ध फिल्म की नाम बताऊं मैं, सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ, जो मैं देखी तो मैं हतप्रभ थी। उनका अभिनय इतना अच्छा था, इतना अच्छा अभिनय वे किए हैं उस फिल्म में कि उनकी अगर बारीकी पर, अभिनय की बारीकी पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा लगता है उसका अभिनेता पुनः जो है फिल्म इंडस्ट्री को मिलने वाला नहीं है, फिल्म उद्योग को, भारतीय फिल्म उद्योग को मिलने वाला नहीं है। उनका अभिनय जो है काफ़ी सलीका और पहुंचा हुआ अभिनय था। उनकी फिल्म आज तो मैं जैसे सो के उठी मैं तो हतप्रभ थी न्यूज़ सुन करके, ये क्या हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि आप अगर असफल हो जाते हैं तो भी इस तरह का कदम जो है नहीं उठाना चाहिए। अगर आपके जीवन में असफलता है तब भी आप इस तरह का कदम नहीं उठा सकते हैं आप, और जब आप सफल हो चुके होते हैं तो ऐसे में अपनी सफलता को संभाले रखना ये भी बहुत बड़ी भूमिका है आपके जीवन की, आपके जीवन की बहुत बड़ी मुख्यता है कि आप जब सफल होते हैं तो सफलता को किस तरह से संभाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आप फ्रस्ट्रेशन की बात करते हैं और जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, आत्महत्या की, पुलिस मृत्यु के कारणों पर जाना चाहेंगी क्योंकि वे सुलझे हुए भारतीय टीवी और फिल्म के अभिनेता थे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पूर्णिया जिले में 21 जनवरी 1986 को हुआ था, जो कि विकिपीडिया में सुस्पष्ट लिखा हुआ है। ये बिहार के लिए, हिंदुस्तान की तो बात ही है लेकिन बिहार के जो वाशिंदे हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो उनका जो प्रशंसक है उन्हें काफ़ी बुरा लगा है, काफ़ी दुख पहुँचे हैं उन्हें कि ये हतप्रभ कर देने वाली घटना क्यों, जब आप सफलता के इस मुकाम पर पहुंच ही रहे थे।
बीते वर्ष 2019 में वे खगड़िया यानी जो बिहार में स्थित है ननिहाल आए और उन्हें सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स में काम मिला। उसके बाद उन्होंने अपना करियर किस देश में है मेरा दिल नामक सीरियल से शुरुआत की और जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता में उन्होंने अच्छी पहचान बनाई। उनका सीरियल जो हम लोग देखे हुए हैं उस सीरियल में उनका काम जो है सराहनीय रहा है। और ध्यातव्य है कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के धमदाहा के बालू टोला में हुआ था। हालांकि उनका जन्मभूमि कनेक्शन बिहार के सुदूर देहात महिदा व बनमनखी क्षेत्र से है। उनके पिता सरकारी अधिकारी रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग के कारण उनका परिवार भी घूमते रहे। अंततः वर्ष 2000 में दिल्ली में बस गए। सुशांत सिंह राजपूत की चार बहनें भी हैं जिनमें से मीतू सिंह राज्य स्तर की क्रिकेट खिलाड़ी भी है। सुशांत सिंह राजपूत की शुरुआती पढ़ाई पूर्णिया बिहार में सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के हंसराज मॉडल स्कूल से हुई। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके कई मॉडल और अभिनेत्रियों से अफेयर थे। मित्रों, एक बात यहाँ स्पष्ट करना है, जब आपके पास इतनी डिग्रियाँ हैं, आप जब इतनी ज़्यादा शिक्षित हैं, बुद्धि है आपके पास में, आपके पास इतनी ज़्यादा सफलता है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, जब आपके जीवन में असफलता थी या आपकी प्रेमिका को लेकर के आपके जीवन में अनबन थी, आप उसमें ऐसा कोई कदम ना नहीं उठाए और उठाना भी नहीं चाहिए था इस तरह का कदम, क्योंकि ये कहीं न कहीं से तो अपराध की श्रेणी में आता है आपने जो किया। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में कभी हो नहीं सकती, किसी भी इंसान के हाथ में यह चीज़ नहीं है। आप जीवन जीने के तरीके कई तरीके अपना सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और जब आप सफलता की सीढ़ियाँ तय कर रहे हों, सफलता की सीढ़ियाँ जो है तय करते हुए आप इतना दूर आ चुके हैं, आपकी फिल्में जब एक से बढ़कर एक हिट साबित हो रही है, बड़े बड़े अभिनेता जो है आपकी फिल्मों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो ऐसे समय में आपका ये कदम भारतीय इतिहास में, भारतीय फिल्म उद्योग में, फिल्म जगत में काम करने वाले तमाम युवक युवतियों के लिए, अभिनेत्रियों के लिए, अभिनेताओं के लिए, कलाकारों के लिए दुखद विषय है कि इस तरह का कदम जो है सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों उठाया। आपके जीवन में तनाव आता है, आप उस तनाव को दूर कर सकते हैं। दुनिया में विभिन्न तरह की किताबें हैं, आप उसे पढ़ करके अपने जीवन का तनाव मुक्त कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा आर्ट अपना सकते हैं। कलाकार तो हंसी लगाने वाला होता है, मनोरंजन वाला होता है, उसके जीवन में दुख आती भी है तो उसके जीवन का दुख को उसे समाप्त कर देना चाहिए, न कि आप ये 30 और 34 की आयु में जो है खुद को मौत के मुंह में कर लेना कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है। आपने अपने फैन को काफ़ी दुख किया सुशांत सिंह राजपूत। श्रद्धा सुमन इसलिए है कि आपका अभिनय के कायल हम युवा वर्ग काफ़ी हद तक हैं। आप इस तरह से भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर भी फिल्म बनाए और उसका उसमें जो काम किए हैं वह काम इतना प्रशंसनीय है, इतना बढ़िया है कि शब्द नहीं मिल रहे उनकी प्रशंसा को। इसके साथ साथ ब्योमकेश बख्शी, जासूसी फिल्म में भी आपने काम किया, चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित फिल्म में कायपोछे में आपने काम किया जो अविस्मरणीय है, पीके में भी आपकी भूमिका देखने योग्य है, केदारनाथ है, छिछोरे है, शुद्ध देसी रोमांस है, आपकी कई फिल्में हैं और ऐसी फिल्मों में काम करने का श्रेय केवल आपको है। आपकी अभिनय क्षमता के बारे में जहां लोग कहते नहीं थकते कि इस तरह का अभिनेता पुनः इस धरती पर नहीं आ सकता, तो वहां फिल्म उद्योग खालीपन सा महसूस कर रहा है, आपके प्रशंसक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। हर युवा वर्ग के दिल में जहां बसे हुए हैं वहां खालीपन है। श्रद्धा सुमन है कि ये जन्म आपने अधूरा छोड़ा, यदि कोई और जन्म हो तो फिल्म उद्योग में आपका ये खालीपन महसूस न हो। नम्र आँखों से आपको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। मैं शौनता विश्वफूल, मेरे चैनल कूड़ा कचरा पर बहुत बहुत आभार।